नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विदिशा जिले में सोमवार शाम 4 बजे के लगभग कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर एक युवक बुर्का पहनकर संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिर वह बुर्का पहनकर किस लिए घूम रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति बुर्का पहनकर घूम रहा था। संदिग्ध दिखाई देने पर कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिरोंज से डॉक्टर सोहेल अली की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? आलोक शर्मा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम हूँ और मुस्लिम महासभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। कल जो घटना हुई है गोजे वाली की, क्या मैटर है? विदिशा में कल मैंने भी वीडियो देखी, वहाँ के लोगों से भी बात हुई कि एक आलोक शर्मा नाम का व्यक्ति जो गालिबन भोपाल से आया हुआ था, वो बुर्का पहन के शहर में घूम रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ, चूँकि आजकल अपन घटनाएँ देख रहा है, धर्म को बदनाम ज़्यादा करा जा रहा है, किसी भी धर्म से लेकर किसी भी चीज़ को जोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ के जागरूक लोग, मुफ्ती सिद्दीक साहब हैं वहाँ पर, हसीन ने पठाने, इन लोगों ने देखा और देखने के बाद उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद ये पता चला कि कोई उस बुर्के के अंदर आलोक शर्मा नाम का कोई लड़का। उससे जब पूछताछ की गई तो वो हड़बड़ा गया और वो कुछ बताने से नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसी शक हो रहा है कि ये मुस्लिम समाज की, क्योंकि उसमें बुर्का ओढ़े हुए थे, एक लड़का ओढ़ा हुआ था, चूँकि बुर्का तो लड़कियाँ होती हैं हमारे यहाँ, हमारे मजहब में औरतें होती हैं, और कहीं ना कहीं वो मुस्लिम लड़की को बदनाम करने की फिराक में थे कि कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम समाज की लड़की बदनाम हो और कहीं ऐसी कोई घटना घटने वाली थी। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और वहां के पुलिस प्रशासन को, जिन लोगों ने कार्रवाई के लिए वहां पे आवेदन दिया है, अभी तक मेरे ज्ञान में ऐसा है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि आसपास ये जो गंगा जमी तेजी से यहाँ का हमारा विदिशा जिला जाना जाता है, वहाँ पे कोई ख़राबी नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल को कभी भी कोई भी किसी भी धर्म के रूप में कोई भी किसी का चोला अपना के कोई भी घटना घटित कर सकता। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।